हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल डिजिटल करेंसी टेक्निकल में। और फ्रेंड्स, बिटकॉइन यूजर्स के लिए बुरी खबर, और ये सऊदी अरबिया ने क्या कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रही है। लेकिन उससे पहले याद दिला दें, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लाते हैं हम डेली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। फ्रेंड्स, तो आपने देखा हर एक कंट्री जैसा कि इससे परेशान है, क्रिप्टो करेंसी हो या बिटकॉइन हो। और किस लिए परेशान है? सबसे ज़्यादा तो जो इसके मिसयूज होते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा निकल करके बातें आती हैं हर एक कंट्री से कि स्कैम और फ्रॉड लोगों के साथ में, इतने रुपए का फ्रॉड हो गया। जैसे अभी बिट कनेक्ट ने किया और बिटकॉइन गेन डॉट कॉम ने किया, कितने हज़ारों करोड़ रुपए का यहाँ पर घोटाला होता रहता है, स्कैम होते रहते हैं। तो इसलिए कंट्री परेशान है कि किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए या इसको इलीगल किया जाए, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या तो लीगल करना या तो इलीगल करना, और या फिर इंडिया की तरह उसको स्टडी करना किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए या समझ में ना आना, ब्लॉकचेन हो या क्रिप्टो करेंसी हो। तो इसी के चलते अभी सऊदी अरबिया ने फाइनली क्या कर दिया है फ्रेंड्स, कि बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को इलीगल कर दिया है। फाइनली पूरी तरीके से इलीगल वहां पर कर दिया गया है। अब उसका यूज वहां पर कोई नहीं कर सकता, बाकी चोरी से जो लोग करेंगे वो करेंगे, तो ये अपनी मर्जी है। जैसे पाकिस्तान ने अभी लेटेस्ट में क्या किया था, इलीगल किया था, मैंने न्यूज़ भी शेयर किया था। और पाकिस्तान के बाद अब सऊदी अरबिया कहीं ना कहीं उसके आसपास है, या हम कह सकते हैं कि उसी तरीके का ये भी एक कंट्री है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान हो या सऊदी अरबिया हो, अगर क्रिप्टो मार्केट की मैं बात करूँ तो जैसे अमेरिका की है, चाइना की है, साउथ कोरिया की क्रिप्टो मार्केट है, मतलब बहुत ज़्यादा फंड अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा उनके पास लोगों के पास पैसा है, और पैसे के साथ क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल एक कंट्री है क्रिप्टो मार्केट की वहाँ पर। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि बिटकॉइन लीगल क्यों किया गया, तो यहाँ पर सिर्फ दो बातें निकल करके आई हैं कि निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के निगेटिव हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, कोई भी चीज़ है इस वर्ल्ड में निगेटिव पॉजिटिव दोनों है। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव सोचती है या निगेटिव सोचती है। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर था, और दूसरा फैक्टर जो है वो हाई रिस्क। तो क्रिप्टो करेंसी में फ्रेंड्स, तो हाई रिस्क तो हाई है, लेकिन हाई प्रॉफिट भी मिलता है। जितना अगर क्रिप्टो करेंसी में, जैसे मान लीजिए हमने 10,000 लगाया, तो वो जीरो तो हो सकता है, हाई रिस्क है, लेकिन वो 10,000 का 1,00,000 भी हो सकता है, 1,00,00,000 भी हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में। जितने लोग काम करते हैं उन्हें पता है अच्छी तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी प्रोनाउंस बिटकॉइन इलीगल। इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन इलीगल हो गया है। SAMA सारा यहाँ पर सामा जो है वो सऊदी अरबिया मॉनेटरी अथॉरिटी है। इनको दिया गया था कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर स्टडी कीजिए, जो भी जिस तरीके से आप रूल रेगुलेशन लगाना चाहते हैं या इलीगल एक्टिविटी में यूज होता है, जो भी इसके रिलेटेड जो भी जितनी बातें हैं, अगर आपको जो भी समझ में आता है वो बताइए। तो ये सामा की तरफ से यहाँ पर बिटकॉइन को इलीगल करार दिया गया है, तो इस कंट्री ने फाइनली इलीगल कर दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, हर एक कंट्री इस तरीके से लीगल इलीगल, अगर हम नेपाल की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, और भी दो चार कंट्री, मैंने एक वीडियो बनाया था जितने कंट्री यहाँ पे इलीगल हैं, तो सऊदी अरबिया फाइनली इलीगल कर दिया है। और इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिटकॉइन के ऊपर या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर असर ज़रूर पड़ा है। और दूसरा असर ये भी हो सकता है, ETF जो रिजेक्ट हुआ है अभी कुछ दिन के लिए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ दो तीन न्यूज़ की वजह से क्रिप्टो मार्केट डंप है। बाकी आप लोगों को फ्रेंड्स क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, क्या आपको लगता है सऊदी अरबिया ने गलत किया या सही किया, आप कमेंट्स करके अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट मिलती रहे सबसे पहले। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।